ओए चिरकुट माइकल, तेरा बंदर जैसी शक्ल का दोस्त ट्रेवर और तेरी पापा की परी हैकर गर्ल को किडनैप कर लिया है। और सुन, $1 बिलियन चाहिए अगर दोनों को जिंदा रखना है तो, और तेरी हैकर गर्ल को मैं बसंती की तरह डांस कराऊंगा। हाय हाय, ओए ओए, बदोबादी बदोबादी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार कैसे हो आप लोग, आए हो आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं यार, लास्ट एपिसोड में ना भाई साहब बहुत खतरनाक वाले चीज़ें हुए थे। तो चलो यार फटाफट से ना लास्ट एपिसोड की ओर चलते हैं। सो गाइस, आपने देखा ही होगा भाई, लास्ट एपिसोड में ना भाई हम लोग गए थे लिबर्टी सिटी डग्गर बॉस की हेल्प लेने और मिलने भी। और गाइस वहां पर ना डग्गर बॉस आने वाला था लॉस सैंटोस में, और वो आ भी गया। और वहाँ पे उसने बढ़िया वाला आइलैंड वगैरह सब कुछ खरीद लिया और एक न्यू सिक्योरिटी टाइटन सिक्योरिटी भी ला लिया। और गाइस हम लोग फिर निकलते हैं लेस्टर के पास, और जो हमें उसने बुलाया था ना, मतलब हमने उसे कॉल करके बुलाया था भाई हमारी हेल्प कर दे, जो ग्लास ब्रेक नहीं हो रहा है ना भाई वो ब्रेक करने में वो हमारी हेल्प करता है, बहुत बढ़िया वाली हेल्प करता है। फिर हम लोग ग्लास वगैरह ब्रेक करते हैं एंड फिर हम लोग जाते हैं टनल की ओर, और टनल में यार कोई भी नहीं होता है, मतलब एगल और गोस्ट है ना भाई वो दोनों ही नहीं होते, वो लोग भाग जाते हैं। और भाई सारे के सारे जो टनल में ना भाई लाइन वाइन वगैरह बिछा के भाई चले जाते हैं, हम लोग को पता चल जाता है। फिर गाइस हमें ना डग्गर बॉस बुलाता है और वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना तुम मेरे टाइटन सिक्योरिटी वाले कपड़े वगैरह पहन लो और मेरे साथ चलो, क्योंकि ना गोस्ट मास जो वाला बंदा है ना उसने उसको बुलाया है। क्योंकि आपको याद है ये डग्गर बॉस और ये मार्टिन और एगल वगैरह ये सब कुछ पहले दोस्त थे, बट ये जो मार्टिन मरा ना तो इन लोग को लग रहा है कि डग्गर बॉस ने इसको मारा है, तो इसलिए वो लोग उसके दुश्मन बन गए थे। बट अब वो गोस्ट मास वाला बंदा है ना वो कह रहा है कि हम लोग फिर से दोस्ती करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और हम लोग माइकल का गेम ख़त्म कर देंगे वगैरह वगैरह। फिर गाइस वहाँ पे ना भाई साहब मना करता है डग्गर बॉस, कहता है कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं किसी के नीचे काम नहीं करने वाला भाई। और भाई साहब वहाँ पे गरम हो जाता है मामला और फाइट वगैरह शुरू हो जाती है, और भाई साहब बहुत गंदी वाली फाइट होती है। तो भाई वीडियो को मिस मत करना भाई, वीडियो जरूर देखना। और भाई साहब वहाँ पे पुलिस की भी रेड पड़ जाती है भाई साहब, मतलब भाई फाइट तो हो ही रही थी और ऊपर से पुलिस भी आ गई, एंड भाई साहब बहुत गंदा वाला सीन, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर मैं जाता हूँ भाई हमारा जो न्यू जेट आने वाला था ना भाई लिबर्टी सिटी से, भाई वो भी हम टेस्ट वगैरह करते यार बहुत खतरनाक था। फिर हमारा जो गोल्ड है भाई अपने पास, पता है आपको ना हमारे पास कैश वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग गोल्ड को ना भाई सब ट्रक में लोड करते हैं और उसको ले जाते हैं लिबर्टी सिटी की ओर। बट वहाँ पे सैंडी एयरपोर्ट पे ना भाई साहब एक स्काई लिफ्ट वाला हेलीकॉप्टर आता है, एंड भाई साहब सारा का सारा प्लान चौपट कर देता, मतलब इतना बड़ा भाई ट्रैक्टर ही मतलब मैग्नेटिक पावर से उठा ले जाता है यार, बहुत कुछ हुआ है। तो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो यार अपने वाले वीडियो में बढ़ते हैं। सो गाइस अभी ना यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे सारे के सारे गैंग के बंदे यहाँ पर है, इनका न्यू बेस, मतलब हमने इनको न्यू बेस दिया था आपको याद ही होगा। और ये जो गैंग है ना इसका नाम मैं क्या रखूँ आप लोग बताना भाई साहब, जो मेरे को बढ़िया गैंग का नाम देगा ना भाई वो मैं रखने वाला। और ये भाई साहब खतरनाक वाली ना भाई साहब जिम वगैरह व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है भाई करो यार, इनको नए कपड़े वगैरह भी देना है भाई साहब, बहुत कुछ करना है इनके लिए, ठीक है ना। और इनको ऐसे कपड़े वगैरह देंगे आप लोग बताना, सब कुछ आपके ऊपर है भाई, ये गैंग अपनी है भाई, ठीक है। तो आप लोग भी बताओ एंड आप भी मेरे गैंग का हिस्सा बन जाओ। तो चलो यार यहाँ पे इनके लिए थोड़ा घर वगैरह भी मैंने बनवा दिए भाई, एंड थोड़ा चलो यार यहाँ पे कुछ एक काम वगैरह चल रहा है, ये देख रहे हो इनके लिए छोटा सा यहाँ पर और भी घर वगैरह बन चुके हैं, और आगे जाके हम लोग इनका बेस भी बड़ा करने वाले हैं, ठीक है ना यार गाइस, बहुत कुछ करेंगे। बट यार अभी ना गाइस बहुत ज़्यादा ही गैंग में हमारे अभी और भी कुछ लोग नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है और भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन हमारे गैंग में अभी ज्वाइन होने के लिए आया है। सो चलो यार अभी फटाफट से इनको ना भाई करने देते हैं, भाई साहब तुम लोग करो अपना अपना काम यार, ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है यार। देख रहे हो बस तो बढ़िया वाला जिम वगैरह सब कुछ चल रहा है, इनकी प्रैक्टिस वगैरह। और यहाँ पे ना यहाँ पर देख सकते हो इनको मैंने दे दिया इतने सारे गोल्ड वगैरह, ठीक है ये सामने दिख रहा है आपको, इनको मैंने गोल्ड वगैरह दे दिया है भाई। तुमको जो जो लगता है ना भाई सब कुछ करो भाई, ठीक है ना, जो लगता है कपड़े वगैरह भाई मौज मस्ती करो, क्योंकि इनका रेड स्केल वाला मर चुका है।
तो यार आप लोग क्या बोलते हो, इनका जो गैंग के लीडर मरा है ना, उसकी एक बड़ी वाली तस्वीर यहाँ पे लगवा दो क्या? तो यार आप लोग बताना यस कि नो भाई, तस्वीर लगाना है कि नहीं। और यहाँ पर आप देखो भाई, बालास और वेगस के बंदे आए हमारी गैंग ज्वाइन करने के लिए, और ये सबके नाम वगैरह सब कुछ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वेगस और बालास भाई वो खतरनाक वाली गैंग है। बट वो लोग ना अभी माइकल से डरते हैं, और वो लोग आपको याद ही होगा अगर आप मेरे पूरे एपिसोड देखते होंगे तो भाई वो हमारी उनकी डील हुई, हमें हर हफ्ते हर महीने ना भाई पैसे वगैरह देते हैं इनके अंडर में काम करने के लिए, मतलब हफ्ता वसर हम भी करते हैं। तो भाई अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको याद ज़रूर होगा। तो यार आप लोग इस वीडियो को लाइक टारगेट में रखो, 1000 लाइक और ज़रूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगी भाई तुरंत, और वीडियो को पूरा वॉच करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना भाई। सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं हो यार, पता नहीं क्या दुश्मनी मेरे से भाई, यार मैं क्या गलती करता हूँ आप लोग ज़रूर बताना, मैं गलती सुधारूंगा और आप लोग को सब्सक्राइब करके रखूंगा। तो यार चलो भाई, रेड निंजा और मैं निकलता हूँ, और अपनी थोड़ी सी नहर की ताड़ी वगैरह करनी है भाई, बाल वगैरह काटने हैं और कपड़े वगैरह भी करने, और बहुत कुछ करना है भाई, ठीक है ना, आज बहुत कुछ करना। अपने पैसे वगैरह भी चोरी हुए, इतना बड़ा वाला गोल्ड चोरी हुआ है यार गाइस, कसम से यार, मतलब पूरी आधी जिंदगी कमाई चोरी हो गई। तो भाई वो जाके आज कुछ प्लान वगैरह और मैंने ना करना है, और हम लोग ने बहुत जल्दी से फटाफट से चलो यार, फटाफट से ना भाई निकलते हैं लोकेशन की ओर। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई साहब। भाई चलो यार इधर ना थोड़ी सी भाई कटिंग वगैरह करेंगे भाई, ज़्यादा ही बाल बढ़ गए भाई, ज़्यादा कटिंग नहीं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बाल नहीं काटेंगे, छोटे छोटे काटेंगे, जो जो होता है ना भाई नोकी क्या कहते हैं पता नहीं उसको, जो बड़े बाल हो जाते हैं जमते नहीं है, मतलब ठीक है ना भाई, वो ही काटेंगे बस। और मेरे गाइस फ्रैंकलिन और ट्रेवर और जो अपनी हैकर गले उनको काम पे लगवा दिया, ठीक है ना भाई, मैंने उनको बोल दिया भाई मेरा जो भी गोल्ड वगैरह तुम ढूंढ के लाओ कैसे भी करके, मुझे कुछ नहीं करना है, हैकर गर्ल की मदद लो, तुम गैंग में हो तो भाई तुमको भी काम करना पड़ेगा, अभी सारा काम मैं थोड़ी करने वाला हूँ भाई। चलो यार भाई तुम बढ़िया से मेरी कटिंग वगैरह कर दो पहले यार, ठीक है यार, चलो यार ये मैडम कटिंग करेंगे मेरी भाई, बस नोक वगैरह काटेंगे ठीक है ना। चलो यार भाई फटाफट से कटिंग करते टाइम ही मिलते हैं आप लोग को, यार बढ़िया सी कटिंग कर रही है। और चलो यार भाई साहब कैसी लग रही है कटिंग भाई, जल्दी कर दी बट यार भाई खतरनाक लग रहा है भाई। माइकल कैसे लग रहा है ज़रूर बताना भाई, टकला कर देगा इसका भाई, वैसे भी गर्मी बहुत चल रही है, बट नहीं यार भाई टकला करेंगे तो यार मज़ा नहीं आएंगे भाई, माफ़ी वाली लुक नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी देखो यार बढ़िया सी हेयर स्टाइल है भाई, दाढ़ी वगैरह नहीं काट जाओ, मतलब समझ रहे हो भाई, दाढ़ी में तो भाई और गैंगस्टर वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना, सो मैं दाढ़ी वगैरह नहीं काटा हूँ। तो चलो यार कोई बात नहीं, अभी थोड़े से कपड़े वगैरह भी बदलेंगे, आप लोग भी बोल रहे हैं कपड़े वगैरह बदलो यार भाई साहब, कपड़े यार कौन देखता है यार गाइस, ठीक है ना, आपके बोलने पे कपड़े बता रहा हूँ बन, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या ही बोले। तो चलो यार फटाफट से लोकेशन पे चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, अभी आ चुके हम लोग कपड़े की शॉप के ऊपर, और फटाफट से कपड़े बदलेंगे यार, बहुत सारे बंदे मेरे हर वीडियो में बोल रहे हैं यार कपड़े बदलो यार, हम लोग एक कपड़ा एक महीने तक चलाते हैं भाई GTA 5 में भी। तो चलो यहाँ पे आपके बोलने पे मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बंदे बोल रहे हैं यार भाई कब से एक ही कपड़ों में वीडियो बना रहे हो यार, टाइम नहीं मिलता है आजकल, समझ रहे हो ना यार, ठीक है चलो यार मैडम जी कपड़े वगैरह दिखाओ बढ़िया से, मैडम बोल रही खुद ही देखो यार कपड़े, ठीक है यार चलो यार, ये नहीं यार ये तो भाई मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है यार छोड़ो यार, ये टट्टी वाले कपड़े कौन पहनेगा भाई, माइकल पे ना भाई ऐसे सूट वगैरह ही वो होता है, सूट होता है मतलब सूट ही सूट होता है, ठीक है। तो भाई आप लोग भी बता सकते हैं मेरे को, ठीक है ना, और आप लोग बताना इनके नाम वगैरह देख लो, आप लोग चैट पे ज़रूर लिख देना, तो जिसके ज़्यादा लाइक आएंगे मैं वो चूज़ कर लूँगा, बट आज के लिए मैं कौन से मेरे पसंद के कपड़े पहन लेता हूँ, आप लोग नाम वगैरह चूज़ कर लेना, या आपका नाम फिर जिसको ज़्यादा लाइक आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहना दूँगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे यार मेरे को पसंद नहीं आ रहे कसम से, एक सेकंड यहाँ पे अलग सूट है भाई, ये भी बढ़िया लग रहा है, वाइट तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार गाइस, ठीक है बट चलो और भी देखते हैं, और भी कुछ है क्या यहाँ पे भाई, ये भी बढ़िया लग रहा है, आप लोग नाम भी सूट कर सकते हो भाई, महंगा बहुत है भाई ये तो भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, इतना महंगा है यार गाइस क्या ही बोलो, एक बार देखो आप लोग, ठीक है यार चलो कोई बात नहीं भाई साहब, पसंद नहीं आ रहा यार मेरे को कसम से बताओ ना भाई, ब्लैक ही अच्छा लगता है भाई साहब माइकल पर, बट ठीक है यार, ठीक है कोई ना, आप लोग भी चूज़ करना, नाम वगैरह देख लो इनके, ठीक है ना। एंड चलो एक सेकंड, यहाँ पे जैकेट वगैरह कुछ नहीं है क्या
मैडम जी जैकेट वगैरह दिखाओ यार कुछ, सिर्फ काउंटर पे खड़े हो पैसे लेने के लिए। भाई जैकेट वगैरह चाहिए अपने को यार, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, स्वेटर वगैरह पड़ी है। भाई जैकेट होते हैं ना बढ़िया वाले जैकेट्स। अरे हट जा यार, क्या कर रहा है रेड निंजा भाई, वरना तेरे को कपड़े उतार दूंगा यहाँ पर। भाई इसके कपड़े उतारेंगे एक बार बोलो यार। रेड निंजा यार तू भी कपड़े ले लेगा दे? रेड निंजा नहीं लेगा भाई, मेरे को बता। यहाँ पे कुछ चेंजिंग रूम है बट चलो। ये क्या है भाई यहाँ पे? अरे भाई यहाँ पर चड्डी बनाने वाला सीन है, यहाँ से निकलते हैं भाई। चलो अपन चड्डी बनाने, अपने कपड़े चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे भाई, अंडरवेयर कब चेंज करेंगे भाई? ठीक है भाई, यहाँ पे अपना कुछ काम नहीं है। चलो ठीक है यार गाइस, डायरेक्ट अपन लोग ना एक बार देख लेते हैं, बट छोड़ो यार गाइस। ठीक है अपन एक बार फाइनल मैच चूज़ कर लेता हूँ। वैसे मेरे को कुछ अच्छा तो लगा नहीं वैसे यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पे जॉकेट है मैंने देखा नहीं यार। ये जॉकेट नहीं यार, जॉकेट तो सिर्फ फ्रैंकलिन पे सूट करते हैं। नहीं यार बढ़िया, बहुत घटिया लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है फ्रैंकलिन माइकल ना भाई, माइकल ऐसा लग रहा है 90 का एज का हो गया है। चलो यार इस पर सूट ही अच्छा लगता है, तो एक सेकंड मैं फाइनल कर लेता हूँ। बहुत हो गया, एक सेकंड। चलो भाई फाइनल है, फाइनल यही कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं, कहाँ गया वो? एक सेकंड यार, मेरे को तो आई थिंक मेरे को यही सूट करना चाहिए, मेरे को ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है चलो छोड़ो यार गाइस, बहुत महंगा है भाई। ठीक है यार चलो फटाफट से यार, मेरे को यही पसंद आया। और यार पता नहीं यार, फ्रैंकलिन और ट्रेवर और हैकर गर्ल है ना, मैंने उनको काम पे सेंड कर दिया है, जो भी गोल्ड वगैरह है ना भाई फटाफट से काम, मतलब उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए। क्योंकि यार आपको पता है यार, अपना भाई ज़िंदगी की जितनी भी अपन ने कमाई की थी, आधा हिस्सा और आपका पूरा चोरी हो गया। सो कोई बात नहीं यार, अभी फटाफट से उसका पता लगाएंगे। और क्या पता है, इसमें नहीं पता क्या आता है, रिजल्ट वगैरह अच्छे आना चाहिए। और बहुत कुछ करना है अपने को, और अपने दुश्मनों की वाट भी लगानी है, और नया बिजनेस भी करना है। आप लोग ने बोला था यार वेपन का बिजनेस करो, तो यार वेपन का बिजनेस भी हम लोग करने वाले। सो चलो यार यहाँ पर ना मैं आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रेड निंजा को छोड़ने के लिए। ठीक है उसको फटाफट से छोड़ देता हूँ, एंड फटाफट से यार उतर जा चल, और चला जा भाई तू, क्योंकि ना भाई अपने को बहुत सारे काम करने। रेड निंजा को भी बोल दिया है भाई सिक्योरिटी टाइट रख भाई। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग मेरे को चैट पे बोल रहे थे यार रेड निंजा आपको धोखा दे रहा है। गाइस ये सच है क्या भाई? मुझे नहीं पता यार, रेड निंजा धोखा दे रहा है। वैसे मुझे भी डाउट आ रहा है, क्योंकि ना किसी को लोकेशन वगैरह पता नहीं थी। बट चलो यार, मैं तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं भाई वो बहुत भरोसे वाला इंसान है। ठीक है ना, सो चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं, और गाइस फटाफट से और चलते हैं गाइस। ठीक है फटाफट से, एंड एक सेकंड मेरे को कॉल आ रही है फ्रैंकलिन की, एंड पता नहीं क्या बोल रहे, चलो बात वगैरह करते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने बातचीत वगैरह कर दी है। भाई फ्रैंकलिन कह रहा है कि बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है भाई, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम, जल्दी से तुम आ जाओ भाई, बहुत अर्जेंट है, हम लोग की हमारी जान खतरे में, जल्दी से आ जाओ यार। कह रहा है कि यार देखो हमारे पास टाइम वगैरह कुछ नहीं, मैंने तुझे देखो कॉल किया, बहुत मुश्किल से भाई। ये क्या कह रहा है यार, फटाफट से निकल लाऊंगा, एंड पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है चलो फटाफट से ना भाई निकल लाऊंगा कैसे भी करके, वरना प्रॉब्लम बढ़ गई। ऑल राइट यार गाइस, मैं ना आ चुका हूँ लोकेशन पे जो मुझे फ्रैंकलिन ने दी थी। यार एक सेकंड यहाँ पे पिंक कार है, मतलब ये अपनी हैकर की कार है। और ये कौन है भाई, इनकी बहस किया? एक सेकंड, यहाँ पर फ्रैंकलिन नज़र आ रहा है, एक सेकंड मैं इससे देख लो। बाकी के ट्रेवर और हैकर गर्ल कहाँ है भाई? यार ये क्या सीन है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लग रहा है ना ये गोस्ट मास वाले के बंदे हैं। ये इलेक्शन भाई, इसको बचा लिया भाई, फ्रैंकलिन को बचा लिया मैंने भाई। लग रहा है ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदा वाला गाइस सीन हो चुका है भाई। ड्राइव कर दिया, एक सेकंड वो वैन पे, वैन की जा रही है, पता नहीं यार ये वैन में पता नहीं किसको गोली मार के उसकी भैंस क्या चले गई साली, पता नहीं यार उस भाई उसी में तो नहीं थे ट्रेवर और अपनी हैकर गर्ल। यार कोई ना ये देखो इसकी भैंस क्या, इधर से कहाँ से आ गया घूम के भाई। कोई बात नहीं चल निकल का लू भाई, इनको ना इनकी औकात दिखानी पड़ेगी यार, इनको लग रहा है भाई क्या ही सीन है यार। ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ गया यार दिख नहीं रहा भाई। अरे यार बाहर निकल, कहाँ किसके बैठा है भाई? ये देखो भाई, अरे यार मेरा भी ऐसा है, मैं ना
भाई एंड टाइम पर लगता ही नहीं है भाई फायर कर रही है। देख भाई क्या ही मारा, मर गया जी भाई, क्या ही मारो यार, कसम से मजा आ चुका है भाई, मजा आ चुका है भाई, गजब है। और भाई चलो यार, लग रहा है मर गया ना, ठीक है ठीक है भाई, ऑल राइट यार गाइस, सबके सब नाम मर चुके हैं। चलो यार ट्रेवर से बातचीत करता हूँ फटाफट से यार गाइस, क्या सीन है क्या नहीं है। ऑल राइट यार, मैंने सारी की बातचीत वगैरह कर ली है, और ये कह रहा है कि यार उसी वैन में ना भाई हैकर गर्ल और ट्रेवर है, मतलब वो कह रहा है कि इतने सारे लोग आ गए थे ना, हमको सरेंडर करना पड़ा हैकर गर्ल की वजह से, वरना हम लोग इन्हीं को मार देते। और हैकर गर्ल जो है ना, उसने गाड़ी वगैरह रुकवा दी थी। यार क्या करते हो यार, हैकर गर्ल की वजह से हम लोग पकड़ेंगे, वरना यार ये दोनों इतने पावरफुल है ना यार, फटाफट से मैं एम्बुलेंस वगैरह मंगवाता हूँ यार, हैकर गर्ल को मैं क्या बोलूँ यार, उसके वजह से यार दोनों इतने खतरनाक वाले बंदे मेरे मुसीबत पड़ गए। ठीक है यार, कोई ना बचा लेंगे, तो फटाफट से अभी एम्बुलेंस आने वाली है, ठीक है ना, चलो फटाफट से अभी वेट ही करते हैं। और ये देखो यार ये ना गोस्ट मास्क के बंदे हैं, उसी की कमांडो से, ये देखो मास्क वगैरह पहने हैं इन्होंने छपरियों ने। कोई बात नहीं, आने दो भाई, एम्बुलेंस को आने का वेट करते हैं और फटाफट से पहुँचाते हैं उसको हॉस्पिटल। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी भाई, वो क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा था कि यार यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है भाई, बात नहीं मान रहा था साला, वरना भाई इस पे खोपड़ी में गन वगैरह रख के ना भाई भगाया उसको। और यहाँ पर ये देखो, ये पिंक कार ना अपनी हैकर गर्ल की है, वो आपको पता है यार इसके सारे के सारे कार्स पिंक होती है। चलो यार इसको एक बार चला के देखो, एंड पता नहीं यार अब क्या करूँ यार, कोई ना अपने जो पुरानी वाली हैकर गर्ल है ना उसके पास जाना होगा और लोकेशन वगैरह ट्रैप वगैरह करना होगा। एक सेकंड ये हेलीकॉप्टर अपने है क्या, एनएसजी के है क्या यार, एक सेकंड फायर कर रहे हैं। अरे यार क्या सीन है भाई, हेलो ये क्या कर रहे हो यार, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, तो गोली चला रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, चलो मिसाइल वगैरह छोड़ नहीं रहे, मैं एक काम करता हूँ उनको उतर के ना मार ही देता हूँ सालों, गोली वगैरह छोड़ रहे हैं यार, ये तो बच्चा समझ जाएगा, इनको पता ही नहीं अपन खो रहे हैं यार, ठीक है इनको उनकी औकात दिखाते, चलो साला मिसाइल नहीं छोड़ रहे तुम लोग, क्या हेलीकॉप्टर है भाई तुम्हारा, अरे भाई अरे भाई मजाक कर रहा था भाई, अरे यार निकलना होगा, अरे वो मजाक कर रहा था मैं तो यार भाई, अरे मैं बोला बच्चे से फाइट करेंगे, मैं मार दूंगा इनको 2-3 सेकंड में यार, भाई मिसाइल वगैरह छोड़ रहा है, अरे सीरियस मत ले भाई, सीरियस ले लिया मैं बोला यार, ठीक है कोई बात नहीं भाई, मेरे को निकलना होगा वरना कुछ हो गया ना भाई, मेरे सारी गैंग वगैरह भाई सब कुछ तबाह रह जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैप वगैरह हो जाऊं और विदाउट सिक्योरिटी के आया हो यार, आपको पता है गोस्ट मास है भाई, उसकी सिक्योरिटी कब किधर आ जाए कोई भरोसा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से ट्रैप हो जाऊं, और यार मैं नहीं चाहता, मैं जो निकलना होगा सही समय मिलते ही इनको फोड़ दूंगा पहले यार, ये क्या डिफेंडर है यार, चलो यार डिफेंडर का ये जलवा भाई कहाँ से भी निकल जाती है, और ये वैसे ना बुलेट प्रूफ वैसे कुछ होगा नहीं, सही बहुत सही, कोई ना फटाफट से निकलते हैं। और यार इसका टायर देख लो फिर भी चल रही है यार, मिसाइल वगैरह ना छोड़ दे, बस मिसाइल वगैरह मत छोड़, बच जाऊँगा कोई बात नहीं यार गाइस, फटाफट से मेरे को सही समय मिल जाए ना, बस एक सही समय मिल जाए और मुझे निकलना होगा, और ये देखो मिसाइल छोड़ रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दे बेटे, कब तक छोड़ेगा भाई, कर ले चेस कर ले, मुझे पता है तो गोस्ट मास्क के बंदे ये लोग, और मुझे नहीं पता इनका भी इनकी औकात दिखा नहीं होगी यार, ये देखो भाई क्या ही मिसाइल डाल रहा है कसम से भाई, रॉकेट चलना आता भी नहीं है, वैसे भी यार ये कार की स्पीड अभी बहुत कम हो चुकी है क्योंकि अभी डैमेज वगैरह हो गया है, टायर भी ख़राब है, तो अभी 150 के मुझे लगता है 200 के ऊपर जाएगी, फिर भी यार अच्छी खासी चल रही है अपनी गाड़ी, ठीक है ना, वरना इसकी स्पीड 250 प्लस जाती है, बट कोई ना टायर वगैरह इसका ना निकल चुका है भाई रबर का, अरे यार रिवर्स लेनी पड़ेगी अब तो, अरे रिवर्स ही लेनी होगी, अगर फिर से रोटेट किया ना तो यार टाइम लग जाएगा, और भाई ब्लास्ट हो सकता है, मिसाइल वगैरह मेरे कार पे डाल देंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी यार, आराम से, अरे यार भाई बच गया भाई कसम से बच गया, पता नहीं कैसे बचा बट बच गया, ठीक है बहुत सही बुलेट प्रूफ है यार, ये तो बढ़िया कार है यार, कसम से कार इतनी रोटेट कर रही है ना, पीछे एक बार देखो, फिर भी हम लोग चला रहे कार को,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये देखो पीछे एक कार को डिस्ट्रॉय कर दिया मिसाइल से, कोई ना। यार ये लोग अभी तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे मेरा, कसम से यार ये लोग ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, अभी भी पीछे ही पड़े हैं। कोई ना, मेरे को बस एक बार सही समय आ जाए फिर मैं इनको इनकी औकात दिखा दूंगा। बस मेरे पास आरपीजी का टाइम नहीं है, अगर मेरे से कुछ गलती वगैरह होती है ना यार मर जाऊँगा, मतलब समझ लो गाइस। मैं नहीं चाहता कि यार मैं सब कुछ खो दूँ और भाई मर जाऊँ, बट कोई ना कोई ना। एक सेकंड यहाँ पर मैं एक सेकंड थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड गाइस, यार ये लोग मिसाइल वगैरह फेंक रहे हैं यार गंदे वाले। ठीक है कोई ना गाइस। अब तो भाई पहले एक एक भेज रहे थे, अब तो देखो कितने सारे सेंड कर रहे हो भाई, 5-6। यार मरना नहीं है अभी, ठीक है ना, आराम से सही समय आने दो। ये देखो चाय बचाओ यार, ये जो वाली अपनी व्हीकल है ना वो हीट प्रूफ है, इसलिए अभी भी टिक रही है, वरना अभी तक तो ब्लास्ट वगैरह हो जाते। आपने देखा वो पिंक वाली कार में कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं था, फिर भी एक ही मिसाइल में बच गए, मतलब ब्लास्ट हो गई। और ये देखो कितना सराइव कर रही है, इसको कहते हैं बुलेट प्रूफ कार। वो देखो पीछे एक ही मिसाइल में क्या सीन हो गया यार, मैं नहीं चाहता कि फिर से हमारे जैसा कुछ हो जाए। यार कसम से यार ये लोग मिसाइल छोड़ते जा रहे हैं। अब ना भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मेरा दिमाग अब ख़राब हो चुका है, अब इनको इनकी औकात दिखानी होगी। बस गाइस थोड़ा सा वेट कर लो, बस मेरे को आरपीजी निकालने दो और इनको इनकी औकात दिखाता हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा ना कवर वाली एरिया मिल जाए फिर मैं थोड़ा सा निकलता हूँ, वरना यार एक सेकंड यार बस आई थिंक मेरे को यहाँ पे जगह मिल सकती है, आराम से निकल रहा हूँ। मिसाइल बच गया भाई, फायर नहीं किया, पता नहीं यार थ्योरी फायर किया। एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा और जगह अच्छी वाली, चलो यार यहाँ पे उतर जाता हूँ। एंड अरे यार गाड़ी है यार, बच गया, बुलेट प्रूफ थी यार, बच गया। अब इनकी मौत पक्की है सालों, अब मेरे को मिल चुका है कवर, अब आ जा। और भाई उधर से आ गया, बस लग जा प्लीज़। अरे यस ऑल राइट गाइस, क्या ही मेरा एम है ना बस। अरे भाई साहब यो, कोई बात नहीं तू भी आ जा। ये मेरे को ज़्यादा ही वो लग रहा है, स्किल वाला बंदा लग रहा है, ये देख लो पूरा ही मेरे ऊपर ही आके ना भाई फायर वगैरह कर रहा है। ये देख रहा मेरे पास चांस ही नहीं है, इसको मारूंगा कैसे। ये शक यार भागने होगा। ये ना मेरे सर के ऊपर आ चुका है, अब भाई मैं 360 रोबोट तो कर नहीं सकता ना भाई, इंसान है रोबोट थोड़ी ना, ऊपर कर दूंगा डायरेक्ट। अब थोड़ा सा भागना होगा, उसको थोड़ा पीछे वगैरह करने की कोशिश करता हूँ एंड फिर फायरिंग करूँगा, वरना डायरेक्ट तो देखो मेरे सर के ऊपर है। अब डायरेक्ट मैं 90 डिग्री का रोबोट तो नहीं कर पाऊँगा, 180 जो भी है ठीक है। ऑल राइट गाइस, फटाफट से वहाँ पे आ चुके भाई, आग वगैरह लग चुकी है इधर लोगों के घर के सामने। ठीक है कोई ना यार, मेरी सिक्योरिटी कॉल करने का था, टाइम नहीं मिला मेरे को, कोई ना इनको आसानी से मैं मार दूंगा। इनको दिखा हुआ कि माइकल विदाउट सिक्योरिटी में कितना पावरफुल है, वरना इनको लग रहा है ये माइकल है ना विदाउट सिक्योरिटी के कुछ नहीं कर सकता। भाई माइकल है कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो, बियॉन्ड द सीन कर सकता है। सो चलो यार फटाफट से ना इधर से चलते। एक सेकंड मेरा कवर मिल गया, बस थोड़ा सा टाइम और वो ना मेरे सर के ऊपर से हट जाए यार। एक सेकंड कहाँ गया, नहीं दिख रहा है। अब चल, अरे यार गाइस बच गया हूँ कसम से, मैंने वेस्ट वगैरह पे नहीं। ये देखो यार ये बंदा जो भी है ना दिमाग वाला बंदा, ये देखो मैंने आपको कहा था ना ये बंदा बिल्कुल ही इसके ऊपर है, मेरे सर के ऊपर है, इसको मैं कैसे आऊँगा आप ही बताओ, ऊपर कैसे कर सकते, ऊपर हो ही नहीं रहा है।
बस बस लग जा। अरे शेट मैन, अभी भी नहीं लगा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा भाई यार। शेट, यस ऑल राइट गाइस, एक ही मिसाइल में भाई खत्म कर दिया। मजा आ चुका है, अब आजा बेटे, अब दम है ना, आजा। कोई बात नहीं यार गाइस, कसम से यार क्या ही चेस किया ना इन लोग ने, मारनी पड़ेगी इसका ड्राइवर जो भी था ना भाई, बहुत बढ़िया ड्राइवर था। बट माइकल के सामने कोई टिक सकता है क्या? तो चैट में लिख दो माइकल ओपी, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो माइकल ओपी जरूर लिखना, तो मेरे को समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो चलो यार कोई बात नहीं, अपनी खतरनाक वाली डिफेंडर लेते हैं। यार इतना खतरा झेल ही ना उसने, कसम से बताओ तो, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ पे गए वे, कहाँ गई? रास्ता भूल गया मैं यार, रास्ता भूल गया। अब पता नहीं यार कहाँ से आए थे अपन लोग, मुझे नहीं पता। चलो डायरेक्ट आपको मैं वहाँ पे मिलता हूँ, आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ढूंढते ढूंढते, पता नहीं यहाँ से कहीं आया था मैं। ठीक है लोकेशन की ओर पर आपको डायरेक्ट मिलता हूँ वहाँ पे, पता नहीं यार दिख नहीं रहा मुझे, तो काटना होगा आई थिंक गाइस। चलो इधर से, ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना मैं ढूंढते ढूंढते यार टाइम लग गया, पता नहीं भाई इधर ही था बट बहुत टाइम लग गया मेरे को ढूंढते ढूंढते। और पता नहीं ये कार का भी देख रहे हो क्या बंगार वाला हो गया, अभी मुझे लग नहीं रहा बंगार वाला भी इसको लेगा। ठीक है चलो, चल रही है भाई गाड़ी, बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है, गाड़ी चल रही है अभी भी, मस्त चल रही है, मतलब एकदम मक्कर के जैसी। एंड एक सेकंड, ये क्या हो गया, कार की रेस नहीं जा रही है यार, मैं रेस का बटन दबा रहा हूँ आगे नहीं जा रही है यार, इंजन वगैरह ख़राब हो गया क्या? अरे शेट मैन, ये क्या हो गया यार, एक सेकंड यार, चल जा यार, मेरे को जाना है मेरे को भाई, यार फिर से कोई अटैक ना कर दे यार, क्या बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, मेरे को दूसरी कार पकड़नी होगी। बट यार ये कार बुलेट प्रूफ है यार, इसको छोड़ूंगा तो मैं बचूंगा तो सही, जिंदा तो रहूँगा यार। चल रही, चलो यार गाइस, थैंक गॉड यार, दुआ आपकी काम आ गई। एंड भाई साहब कार शुरू हो गई है, एक सेकंड यार, ये तो पता नहीं किसकी बदवा लग गई यार, गाड़ी बंद हो गई फिर से यार, बेनी को बुलाना पड़ेगा क्या भाई, बेनी को बुला के क्या करेंगे। चल रही है यार, बंद चालू हो रही है, पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया क्या, मुझे लग रहा है पेट्रोल ख़त्म हो गया, पता नहीं है कुछ इंजन में कुछ ख़राबी आ गई है, पता नहीं है। चलो भाई ट्राई करता हूँ भाई, बहुत ट्राई करना पड़ेगा मेरे को। एंड गाइस चलो फिर से ट्राई वगैरह करते हैं, ये देखो भाई रेसिंग जा रही है, बट आई थिंक ना कुछ ये टायर ज़्यादा ही घस चुका है, तो आई थिंक उसके वजह से ना कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है जो स्टील ले से ना भाई, ये देखो हॉर्न मार रहा है छपरी साला, निकल इधर, प्रॉब्लम में हूँ मैं, तू हॉर्न मार रहा है, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है गाइस, वो स्टील का ना भाई घस चुका है आई थिंक, उसके वजह से गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, मेरे को वही लग रहा है, मैं गाड़ी का रेस तो दे रहा हूँ। एंड एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ना मैं भाई मैं रेस दे ही रहा था, पता नहीं अचानक से मैं कब क्या हो गया, मैं पीछे देख रहा था और अचानक से इसकी फेंस किया भाई, इसका निप वाला हेलीकॉप्टर आ गया एंड मेरे को उठा के ले जा रहा है। अरे हेलो, पागल हो गया क्या यार ये? अरे भाई ये तो वो तो नहीं है जिसने गोल्ड चोरी किया था हमारा, वो ही लग रहा है मुझे। अरे भाई गोल्ड चोरी कर लिया वो तो सही बात है, मुझे क्यों चोरी कर रहा है यार, लग रहा है ट्रेवर और हैकर गर्ल को किडनैप कर लिया ना, वैसे मुझे भी ये लोग किडनैप कर रहे हैं, इसकी भैंस क्या यार, मुझे निकलना होगा कैसे भी करके भाई, निकलना होगा, इसको मार दूँ क्या? नहीं यार इसको मारूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका मेरे को चेहरा ही दिख ही नहीं रहा कसम से। कोई बात नहीं, सीट बेल्ट है यार, कहाँ लेके जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही ऊपर ले रहा है। अरे यार कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे पैराशूट वगैरह तो है, इसकी भैंस किया जो करना है कर ले, अब लेके जा मेरी डिपेंडर, जाके मौज कर जा, अपने बॉस को बोल दे जो भी तेरा बॉस है, पता नहीं ये किसका बंदा है यार, मेरे को लग रहा है ये गोस्ट पास का बंदा है भाई, कार भी छोड़ दी क्या साला, कार भी ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, और कार छोड़ दी उसने भाई यार, देखो उसने डिफेंडर छोड़ दी और चल जा रहा है वापस भाई, पहले वो समुद्र की ओर जा रहा था, अब उसने टर्न मार लिया, वो दिख रहा है कि आपको, देखो सूरज के ऊपर देखना, और वो देखो वहाँ पर ना अपने डिफेंडर नीचे गिर रही है यार गाइस, कसम से इसकी भैंस की आग। अच्छा हुआ मेरे पास ना भाई पैराशूट वगैरह था इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा वाला काम हो गया गाइस, बच गया भाई मुझे ना यार, मैं देख रहा था पता नहीं कहाँ से आ गया यार, अपने साथ क्या हो रहा है आज,
यार ये गोश्त मांस का ज़्यादा ही हो रहा है अपना, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। तो यार अब इसका कैसे भी करके गेम ओवर करना होगा। इसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा ही पैसा है इस बंदे के पास। और गाइस हमें टक्कर पहुँचकर मुझे मेरे कुछ प्लान वगैरह करना होगा। और गाइस कुछ पता लगे तो यार मुझे लेस्टर को भी लाना हो, बट यार लेस्टर और डगन अभी दुश्मनी चल रही है, मुझे नहीं लगता यार वो बात करेगा। बट दोनों ही मास्टरमाइंड है, बट किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। तो आप लोग बताओ किसकी मुझे हेल्प लेनी चाहिए, कौन होगा भाई मास्टरमाइंड जो मेरी हेल्प करेगा यार इस गोश्त मांस को मारने के लिए मुझे। अरे यार लग गया मुँह पे बहुत गंदी वाली। अब मेरे को कुछ भी हो जाए उससे पहले मुझे एक कार वगैरह ढूंढनी होगी। आई थिंक डिफेंडर ऊपर ही कहीं यहाँ से कहीं गिरी थी ना। यार क्या हो रहा है आज माइकल के साथ, उल्टे सीधा काम हो रहा है भाई। विदाउट सिगरेट के आज घूम रहा हूँ तो कुछ भी हो रहा है। तो यार मेरे को सिगरेट टाइट करनी होगी। और मेरे आगे पीछे ना भाई बड़े वाले खतरनाक वाले गाइस भाई वो होते ना, क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं वर्ड। अपनी सारी की सारी स्क्वाड लेके घूमनी होगी आगे पीछे। चलो फटाफट से यहाँ पे कौन सी भी एक कार वगैरह छून लेता हूँ, और उससे पहले कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गया ना हो जाएगी। तो चलो उससे पहले एक सेकंड जो भी बढ़िया कार लगी उसको उठा लेता हूँ एंड फटाफट से इधर से निकल जाऊँगा। चलो आई थिंक ये रेड वाली बढ़िया लग रही है एंड अपना कुछ आगे से बातचीत वगैरह करते हैं। और भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अभी मैं एक काम करता हूँ भाई, प्ले बे मंसर में जाता हूँ और भाई ई एरो बोट से सब पे अटैक कर देता हूँ। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ई एरो बोट बहुत ही ख़तरनाक है, मुझे नहीं लगता है उसको कोई हरा पाएगा। अब ना आ चुका है अपना सबसे ख़तरनाक वाला रोबोट यूज़ करने के लिए, ए आई रोबोट, जिससे मैं इसका गेम ओवर कर दूंगा। चलो यार फटाफट से मिलते हैं आपको लोकेशन की ओर। ऑल राइट गाइस, यार फाइनली ना मैं आ चुका हूँ प्ले बाय मैंशन पर, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मैं सारे के सारे जितने मेरे पास दो अवेलेबल है ना ए आई रोबोट से उनको रेडी करता हूँ। और भाई कैसे भी करके ना भाई प्लान वगैरह बनाना होगा, अटैक करने का लोकेशन वगैरह निकालना होगा गोश्त मांस का, और हमारे जो फ्रेंड वगैरह है ना उन्हें बचाना होगा कैसे भी करके गाइस। मैं नहीं चाहता कि यार कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए। और भाई रेड स्केल की जैसे ही यार फ्रैंकलिन ट्रेवर यार हैकर गर्ल कोई ना कोई मरे तो यार बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मेरे को रिस्क भी नहीं लेना है, समझ रहे हो गाइस। यार मैं नहीं चाहता कि हमारा फ्रेंड ट्रेवर और हैकर गर्ल मरे, समझ रहे हो यार, बहुत बड़ी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार कसम से ना यार, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब मैं डायरेक्ट अटैक करूँगा तो वो लोग मार देंगे, पता नहीं यार गाइस क्या ही सीन है यार, बिल्कुल ही फंस चुका हूँ। तो चलो यार अब एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। ओए चिरकुट माइकल, तेरा बंदर जैसी शक्ल का दोस्त ट्रेवर और तेरी पापा की परी हैकर गर्ल को किडनैप कर लिया है। और सुन, $1 बिलियन चाहिए अगर दोनों को जिंदा रखना है तो, और तेरी हैकर गर्ल को मैं बसंती की तरह डांस कराऊंगा। हाय हाय ओए ओए बदोबादी बदोबादी। गाइस अभी ना मुझे कॉल आया था गोश्त मांस का, और वो कह रहा है कि देख अगर तेरे को तेरे अपने फ्रेंड्स प्यारे हैं ना भाई टोटल $1 बिलियन ले आ लोकेशन के ऊपर, फिर ही तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम उसे ले जाएंगे, फिर उसका डबल पैसा कर देंगे, मतलब $1 बिलियन का $2 बिलियन कर देंगे। यार भाई इतने कम समय में आधे घंटे में एक घंटे में कहाँ से लाओ। वो कह रहा है कि अगर नहीं लाएगा तो हम लोग फिर से वहाँ से निकल जाएंगे और तेरे फ्रेंड्स मारे जाएंगे। भाई यार $1 बिलियन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मेरे पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, अपने पास तो सिर्फ गोल्ड है। और पता नहीं यार अपना पहले आधा गोल्ड चोरी हो गया, पता नहीं उसी ने किया या किसी और ने किया। भाई क्या चल रहा है, बिल्कुल ही मैं कंफ्यूज हूँ यार। कह रहे हैं कि एक घंटे में $1 बिलियन चाहिए लोकेशन के ऊपर ला ले गच्छुप, वरना अटैक वगैरह करता है तो कुछ भी करता है तो भाई $2 बिलियन हो जाएंगे, मतलब वो बढ़ रहा है कि पैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यार उसको पैसे तो मैं दे भी नहीं सकता भाई, इतने सारे $1 बिलियन भाई मजाक थोड़ी ना है भाई, कितने जीरो होते हैं $1 बिलियन पे भाई, आप लोग चैट में बताना। और पता नहीं यार वो गोश्त मांस वाला क्या बोल रहा है। और भाई मैं ना AI रोबोट को ले जाता हूँ भाई, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, अगर कोई समझ नहीं आ रहा है अपने दोस्त को बचाऊँ या अपने पैसे बचाऊँ। वैसे दोस्त को बचाना चाहिए बट यार पैसे भी काम की चीज़ है ना, पहले इतना ज़्यादा पैसा अपना
जा चुका है, अगर ये भी दे देंगे तो भाई अपने पास कुछ बचेगा भी नहीं और अपना बिजनेस वगैरह सब बंद हो जाएगा। और ये सिक्योरिटी के पैसा वगैरह भी देना है, वो भी बंद। यार बहुत बड़ा वाले प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। कोई बात नहीं, चलो यार अपना उसने जो लोकेशन दी है भाई वहाँ पे निकलता हूँ और देखता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं यार, क्या दूँ उसको मैं, घंटा कुछ नहीं दे सकता हूँ। सो चलो लोकेशन की ओर भाई साहब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीन है एंड क्या नहीं है। सो लेट्स गो। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना भाई उस बंदे ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर कुछ आपको पता है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। यार 1 बिलियन कहाँ से लाओ यार, पॉसिबल ही नहीं है ना गाइस। मतलब इतना सारा गोल्ड तो अपने पास अवेलेबल है बट वो लेगा भी नहीं कोई और उसको टाइम भी लगेगा। यार अपने फ्रेंड्स, अपनी हैकर गर्ल एंड ट्रेवर, यार क्या करते हो यार तुम लोग, कैसे फंस सकते हो यार गाइस हैकर गर्ल की वजह से ना। यार ट्रेवर भी फंस गया बेचारा, वरना ये सबको मार ही देता। और वो कह रहा था कि देख मैं उसको नचाने भी वाला हूँ और बहुत कुछ करने वाला हूँ यार। और ट्रेवर को कहाँ बंद करके रखा है, वो कह रहा है कि ट्रेवर भी बंद है और ये नचा रहा है। भाई साहब उसने बोला था गाइस मैं नचाऊँगा भी और बहुत कुछ करूँगा, तो जल्द से जल्द पैसा ला लें वरना हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लिमिट भी क्रॉस कर देंगे। यार मुझे आ रहा है गुस्सा यार, मतलब पैसा भी नहीं है और अपनी हैकर गर्ल को भी नचवा रहा है साला। और जे 1 सेकंड कहाँ जा रहा है छपरी, लग 1 घंटा तो हो चुका है गाइस। अब ना भाई वो जा रहा है यार, पता नहीं यार गाइस क्या सीन है। भाई मेरा तो दिमाग हो चुका है ख़राब। ठीक है भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई वो तो चला है, लग रहा है इसी वाले हेलीकॉप्टर में ट्रेवर वगैरह कोई होगा। और भाई उन्होंने हैकर गर्ल को नहीं ले गया, वो कह रहा है कि यार मेरे को ट्रेवर से मतलब है, आई थिंक ना गाइस हैकर उससे कुछ मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहा है कि यार भाई कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, एक काम करता हूँ भाई निंजा सिक्योरिटी को और अपना डगन बॉस को कॉल करके ना उसकी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी बुलवा देता हूँ। और क्या बताऊँ अटैक वगैरह कैसे करना है, अब रेड निंजा मेरी जान बचा सकता है गाइस, क्योंकि ना भाई यार ये पहाड़ी एरिया है तो निंजा सिक्योरिटी को इधर बुलाना होगा, ठीक है ना। सो चलो यार फटाफट से भाई, ये देख रहे नचवा रहे हैं भाई कसम से ना, क्या ही बोलूँ यार। ठीक है यार वैसे ज़्यादा बंदे तो नहीं है भाई, बचा लेंगे अगर कुछ हो गया ना भाई, प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है और हमारी हैकर मर सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई मरे यार। ठीक है यार अपना गाइस प्रॉब्लम में तो फंस ही चुके हैं। अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई चैट पे लिख देना, सैड लिख देना, कुछ वगैरह लिख दो तो मेरे को समझ आएगा मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो यार। ठीक है ना गाइस, अब मेरे पास कोई प्लान वगैरह भी नहीं है, अब इसको बचाऊँगा कैसे यार। मतलब डायरेक्ट फाइट करेंगे तो वो उस पर शूट वगैरह कर देंगे यार, कैसे बचाए यार। पैसे भी तो नहीं है, पैसे भी नहीं है और भाई अटैक करेंगे तो वो उसको मार देंगे, सिंपल सी बात है। और पहले उसको फाइट करना आती नहीं है हैकर गर्ल को। ठीक है यार गाइस अब ना एक काम करता हूँ, इसमें ना अभी अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हीं को बुलाता हूँ, वरना फिर यार अपनी हैकर गर्ल को फिर गुड बाय बोलना पड़ेगा। तो चलो बातचीत वगैरह करते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने ना बातचीत वगैरह तो कर ली है, वो निकल गए वहाँ सर, सबसे बातचीत कर ली है, टाइटन सिक्योरिटी जो डगर बॉस से हेल्प भी ले लिए और निंजा सिक्योरिटी से भी। अब देखते हैं गाइस कब तक आता है और क्या सीन है गाइस। अब ये रेड निंजा मेरी हेल्प कर सकता है यार। ठीक है, वेट करने के समय कोई चारा तो है नहीं अपने पास। ठीक है यार वेट ही करते हैं और पता करते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना आ चुके हैं रेड निंजा और टाइटन सिक्योरिटी। और देख भाई यहाँ पर गाइस रेड निंजा को तो मैंने बोल दिया सारी चीज़ें भाई, क्या मैटर है और क्या नहीं है। वो कह रहा है कि यार ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, अगर पैसा देना है तो दे सकते हो। भाई पैसा नहीं है भाई, तुझे भी पता है अपने पास सिर्फ गोल्ड वगैरह ही रखा है और आधा गोल्ड भी चोरी भी हो गया। ये कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ना सारे पहाड़ों पे एक स्नैपर रखवा देते हैं, मतलब
भाई शूट मतलब जो होता है ना स्नैपर वगैरह दूर दूर, और जितने भी उसके आसपास ना लड़की के सबको एक एक गन पॉइंट पे एम करके मार देगी। वैसे ये प्लान भी बढ़िया है, बट एक भी गलती होती है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। रेड नक्कर सॉरी रेड टिंजा यार, अभी मैं इसको परमिशन दे दूँ क्या ये करने के लिए? ठीक है यार गाइस, अब कोई चारा तो नहीं, ये कह रहा है कि वैसे भी वो मरने वाली है, या थोड़ा देर वेट करो। वो कह रहा है कि हमारे सारे स्नैपर लग जाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करो। वो मतलब वो कह रहा है कि उसको ना कहीं वो ले ही तो जाएंगे, और वो कार के अंदर तो बंद तो होने वाली तो है। सो ये भी सही यार, हम लोग वेट भी कर सकते, डायरेक्ट मारेंगे तो वो मारी जाएंगी। वो कह रहा है कि देख उसको वो कहीं ना कहीं कार में बैठ के ले जाने तो वाले तो है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो करेंगे, ऐसे तो है ना दिन भर उसको रात भर यहाँ पे नचाएंगे। यार ये भी सही बात है, ये कह रहा है कि जैसे वो कार में बैठेंगे ना वैन में, तो हम लोग वैसे अपने स्नैपर को बोल के जो आसपास लोग हैं उनको मार देंगे, मतलब आसपास कोई होगा नहीं, और हम लोग फटाफट से रश वगैरह कर लेंगे। तो यार ये आइडिया मेरे को बढ़िया लगा। सो यार मैं इसको परमिशन वगैरह दे देता हूँ और बोलता हूँ कि यार सारे स्नैपर वगैरह लगवा दो, बट हमको उसके लिए वेट करना होगा गाइस, वो कब कार के अंदर बैठेंगे, और हम लोग सारे स्नैपर शॉट्स है ना जितने भी वैन के आसपास लोग हैं उन्हीं को मारेंगे सबसे पहले, फिर ना हम लोग गंदा वाला हम रश कर देंगे। तो यार ये आइडिया बिल्कुल बढ़िया है, बस यार एक गलती हो गई ना यार हमारी हैकर गर्ल मर जाएगी, तो देख समझ के करना होगा। ऑल राइट गाइस, तो चलो अभी बहुत टाइम हो चुका, हम लोग वेट कर रहे थे और उन लोग ने आई थिंक उसको वैन में बैठने के लिए कह दिया है, धूप भी ज़्यादा हो गई है तो आई थिंक पता नहीं वो कार में बैठ चुकी है, कार में कोई नहीं है और आसपास ना बहुत सारे लोग हैं। तो चलो प्लान फटाफट से करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अभी ना हमारे स्नैपर को वो दस शॉट कर दो फटाफट से, शॉट कर दो। तो यार गाइस देखो वहाँ पे दो लोग नीचे गिर गए। यार हमारे स्नैपर यार क्या गलती करते हो यार, कोई ना गाइस मुझे कुछ करना होगा, आसपास के लोग को मारना होगा भाई, सिर्फ दो ही स्नैपर से मरे यार, हमारा चांस था कि सबको मारे, बट यार पता नहीं क्या किया इन लोग ने यार, हमारे जो स्नैपर से ना ऊपर से बैठे हुए पता नहीं, बट चलो कोई आई थिंक हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा, एंड फटाफट से चलो इनको इनकी औकात दिखा देते हैं साधु। चलता है इसकी एक्शन, निकल। अरे ये अपना ये भाई समझ नहीं आ रहा है, रेड टिंजा और इनके जो बंदे ना सेम ही लग रहे हैं। ठीक है चलो फटाफट से ना भाई गेम ओवर करते हैं सालों का। आ जाओ कोई बात नहीं भाई, ये बुलडोजर कहाँ से आ गया इतना बड़ा भाई, जा रहा है गया बुरा पता नहीं गाइस हो गया कुछ। ठीक है चलो यार गाइस बिना फटाफट से अपने एआर ओवर पे बैठता हूँ और गाइस यहाँ पे इनकी औकात दिखाता हूँ, सालों को जल्दी से बचाना होगा वरना उससे पहले कोई आ जाए, समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा वाला प्रॉब्लम हो जाए। और ये जो स्काईलिफ्ट वाला हेलीकॉप्टर है ना साला इन्हीं का था, और भाई मुझे लग रहा है इसी ने मेरे पैसे चुराए, पता नहीं किसी ने चुराए, बट साला यही मेरे पैसे चुरा रहा है और मेरे से पैसे मांग रहा है। चल निकल साला, स्काईलिफ्ट से मेरे को किडनैप करेगा, मतलब औकात है भाई, माइकल को किडनैप करेगा। ये देखो छपरी साला, ये देखो, अरे यार इसके मिसाइल कंट्रोल में मेरे को अभी तक कंट्रोल नहीं जम रहा है यार, ये ऑटो मिसाइल नहीं जा रहा है। चलो पहले इसी से काम चलाना होगा अपने ना भाई, ठीक से काम भी हो रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं अपने को ना कैनन से मारना होगा जो गोली है ना उसी से। और वैसे इनको पता तो अपनी एआर रोबोट की पावर, यार यहाँ पे इतना रास्ता टेढ़ा मेरा है ना कसम से यार, ये एआर रोबोट की चलना मुश्किल हो रहा है, बट कोई ना यार इनको डर दिखना चाहिए ना भाई, अपन क्या चीज़ है समझ रहे हो भाई, इनको डर भी दिखना चाहिए अपन कौन है भाई क्या कर सकते हैं। सो चलो ठीक है, बहुत सही, एक ही नंबर। ऑल राइट यार बहुत सही, चलो आते जाओ भाई तुम लोग, जहाँ पे छुप के बैठे हो ना साले बाहर निकलो भाई, अपना एआई रोबोट ऊपर तक चला गया है, नीचे आ गया भाई, मुझे लगा गिर जाएगा यार, फटाफट से बचा दो अपनी हैकर गर्ल को बचा लो। ठीक है कोई ना, आई थिंक सब तो साफ हो गए भाई, सब तो मर गए, बहुत अच्छी बात है, ये सब तरीके से बच गया, इसको मारो साले को भाई, हवा में उड़ा दूंगा साले को, एआई रोबोट की पावर इसको पता ही नहीं, एआई रोबोट है भाई क्या कर सकता है ये भाई, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है पूछो यार। ये देखो साला स्काई इसी के वजह से इतना सारा पैसा गया और मेरे को किडनैप करेगा साला, छपरी गएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी उड़ा देंगे, और कोई आ जाओ बस। अब ना मेरे को लग रहा है सब साफ हो गया भाई, इतनी जल्दी भाई मिनटों में गेम ख़त्म हो गया भाई, क्या आता ही है भाई, मिनटों में गेम ख़त्म हो गया, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी भाई। फटाफट से रेस्क्यू करते भाई, जिंदा है ना, जिंदा है कि मर गई बेचारी वाली, पता नहीं यार कैसे भाई निकली वायर यार,
चलो इससे बातचीत वगैरह करते हैं। और भाई उधर देख रही है, नाराज लग रही है, इससे बातचीत वगैरह करते हैं, पता नहीं क्या कह रही है। सो यार ये कह रही है कि यार देखो मैंने अंदर से लॉक कर दिया था, मुझे पता ऐसा कुछ होने वाला है एंड वगैरह वगैरह, तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार। वैसे ये प्लान तो रेड निंजा का था, बट चलो यार इसको क्रेडिट दे देंगे, तो रेड निंजा ने तुम्हारी जान बचाई भाई, हम तो तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे थे। तो चलो मैंने इसको बोल दिया तुम इसमें फिर से बैठ जाओ, और हमारा ब्लैक निंजा है ना वो तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा लेगा। यार चलो यार गाइस इसको ना भाई सेफली रेस्क्यू कर लिया, बट हमारा काम अभी यहाँ तक हुआ नहीं है। हमारा काम है ट्रेवर को बचाना, ट्रेवर को बचाना हमारा काम है गाइस, जो हमारा जिगरी यार है, फ्रेंड है भाई ट्रेवर, उसको बचाना है गाइस। ये मर गई तो चलता है, बट उससे भी ज़्यादा ट्रेवर इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। बचपन का जिगरी यार है भाई, सब कोई बात नहीं, और इनकी औकात इनको दिखा दिया अपन लोग ने, और कोई है कि आ जाओ बहस किया, अगर तुम्हारी औकात है तो आ जाओ। अब हमारा काम है गाइस ट्रेवर को बचाना, अब लोकेशन निकालनी होगी, कुछ भी करना होगा, कैसे भी करना होगा, और लोकेशन वगैरह फायर निकालनी होगी, ठीक है। सो चलो यार अपन लोग फटाफट से बैठ जाते हैं और ना गाइस अपना जलवा दिखा देते हैं, अपना AI रोबोट भी बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक सीन है, तो ठीक है चलो। और एक सेकंड ये क्या हो गया, बहस किया कि हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया यार, भाई चेस कर रहा है क्या, तो भाई फिर से चेस करेगा इसके बहस की आग, चल निकल साल है, इतने सारे रोबोट है भाई, अब आ जा मेरे पास, अब इनको दिखाता हूँ भाई, आ जाओ भाई, एयर स्ट्राइक करेंगे हम पे, ठीक है कर ले भाई, कोई बात नहीं, एयर स्ट्राइक कर लो। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे एयर स्ट्राइक लिख दो, तो मेरे को पता चलेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, और 1000 लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ ज़रूर कर देना, और वीडियो जल्दी से आएंगी भाई, एग्ज़ाम चल रहे हैं फिर भी वीडियो डाल रहा हूँ यार गाइस, कसम से बता रहा हूँ, तो थोड़ी छोटी वीडियो भी आ गई तो यार प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच ज़रूर करना, एंड एग्ज़ाम यार पता है गाइस एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार गाइस फटाफट से वीडियो पर पढ़ते हैं, और भाई मैं बैठ चुका हूँ अपने AI रोबोट में, और अभी इनको दिखाता हूँ, एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या भाई, इसका ना जो ऑटोमेटिक जो मिसाइल है ना वो पकड़ नहीं रहा है, पता नहीं यार मैं छोड़ रहा, तो देखो सीधे स्ट्रीट जा रहा है, वैसे तो दो टाइप का है, बट होमी लॉन्चर ये जो पीछा करता है, बट ठीक है यार ये काम नहीं कर रहा है, और राइट अभी ना गोली से मारना पड़ेगा भाई, क्या हो गया नीचे गिर गया क्या मैं भाई, कंट्रोल ही हो रहा है, जगह ऐसी है ना भाई, ऊबड़ दाबड़ जगह है, मतलब स्लोप वगैरह मतलब गड्ढे वगैरह है भाई, ठीक से काम करना होगा मेरे को यार। चलो वैसे भी अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड मार ही दे रहे हैं, ऑल राइट बहुत सही। ये देखो आ गया छतरी, ये देखो मिसाइल छोड़ रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई यार, मुझे दिखाना होगा फिर से, कोई बात नहीं, यही काफ़ी है। अपनी जो मशीन गन है ना भाई ये बहुत खतरनाक है, मतलब गजब, ठीक है बहुत सही, और गेम ख़त्म करके आ जाओ, आ जाओ बेटा मेरे को तेरी अपनी औकात दिखा दो, ठीक है आ जाओ बेटा तू भी आ जाओ, चल निकल सारे छपरी कह के यार। ये गैंग तो भाई कैसे भी करके ना मुझे ख़त्म करना है, और ये जितने भी लोग हैं ना भाई सबका गेम ओवर करना है, ठीक है बहुत ही जल्दी हमको प्लान वगैरह बनाना होगा, डगन से मिलना होगा, और डगन भी यार लॉस सैंटोस में मचे कर रहा है यार, अभी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है ना डगन बॉस, बस हम जैर फटाफट से प्लान बनाते हैं गेम ख़त्म करते हैं, बट डगन बॉस भी क्या बोलूँ यार, ये बंदा ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है और टेंशन देने का ही काम करता है, और सक्सेसफुल काम कर ले, आई होप कि यार ये देखो, अरे मारो यार फटाफट से, ये देखो रोबोट भी इनका टैंक भी आ गया भाई, इसकी आग पैसा बहुत हो गया भाई इनके पास, ठीक है भाई मुझे पता है पैसा बहुत हो गया है, चल निकल साल है तू, और आ जा तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, अरे यार एक सेकंड चल निकल साल, AI रोबोट के सामने फाइट करेगा, AI रोबोट के सामने भाई मजाक चल रहा है क्या है। वैसे तो भाई मैं इसे खुद से ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको AI मोड ऑन कर दूँगा भाई, अगर मैं इसका AI मोड ऑन कर दूँगा भाई ये ऑटोमेटिक खुद सबको मार देगा, बट गाइस वैसे मज़ा नहीं आएगा भाई, खुद को चलाने मज़ा आना चाहिए ना, चलो यार खुद से चलाएंगे, बट मेरा इतना एम अभी जो एम है ना उसका जो ऑटोमेटिक जो मिसाइल पीछे लगता है वो वाला काम भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, सुपर हाइट तो नहीं अपना फंक्शन काम भी कर रहा है, खुद से मारना होगा बट वो स्पीड जा रहा है मिसाइल, गौरव कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ गाइस, यहाँ थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, वरना गाइस मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है
क्योंकि ज़मीन ऐसी और ये लोग भी, ये देखो भाई क्या ही हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, मैं फायर कर रहा हूँ देखो कैसे, ओ भाई देख रहे हो मतलब पूरा का पूरा भाई पलट जा रहे हैं। ठीक है ठीक है भाई, ट्रेन लग रहे हैं, चल निकल सालों तुम्हारी तहस किया भाई, मरना मत यार, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स तो वैसे मरेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स मरेंगे, बट कोई नया चलता है भाई, जंग फाइट में इतना चलता है। ठीक है चलो, ठीक है बहुत सही, गेम ओवर चल भाई। अरे ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, इतने सारे हेलीकॉप्टर आकाश से रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बंदा क्या पागल वगैरह तो नहीं हो गया यार, ये पागल वगैरह तो नहीं हो गया, इतने सारे एयर रोबोट को भेज रहे हैं। ठीक है आ जाओ, सब के सब आ जाओ, सबको अपनी औकात दिखा देंगे। ठीक है ऑल राइट गाइस, ठीक है और कोई तो आ जाओ। अरे सॉरी गलती से फायर हो गया, आ जाओ भाई, सारे के सारे एयर स्ट्राइक से अटैक कर रहे हैं कसम से, कोई बात नहीं, फिर से एयर रोबोट बैठो और उनको इनकी औकात दिखाते। चलो यार गाइस एयर रोबोट पे बैठेंगे यार, बहुत दिन से चलाए नहीं है तो चलाना तो पड़ेगा। ठीक है ऑल राइट, ठीक है लेट्स गो। चल निकल यहाँ पर आराम से ना, इनको गेम ओवर करेंगे भाई, तुम लोग खेलते रहो। ठीक है मैं यहाँ से आराम से तुमको मार दूँगा, साला बहस किया। अरे ऐसे लग रहा है मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ भाई, गेम के अंदर यार लोग, ये हो गया इस कसम से, ये भी गया और भाई गजब, वो कोनी पे अटैक कर रहे हैं, कोई बात नहीं वेल, ओ भाई क्या ही बच रहा है यार कसम से, कोई बात नहीं इनको भी मार देंगे। एक सेकंड यहाँ पे रेडियो ऑन हो गया मेरा, ऑल राइट, ओहो भाई ओहो कसम से ओपी यार, लग जा। अरे नो शेट, नहीं लगा, कोई बात नहीं। ओह नीचे आ गया भाई, प्रोफेशनल है भाई, क्या बात है, बच रहेगा भाई, और कसम से अब बच के दिखाओ भाई, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुमको लग रहा है मैं, तुम बच रहे हो घंटा, मैं तुमको ना मार रहा हूँ, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं मुझे ना भाई प्रैक्टिस वगैरह करनी थी और कुछ नहीं गाइस। चलो इनको इनकी औकात दिखा देते हैं और इनको बाहर करते हैं यहाँ से, बहुत सही, एक ही नंबर गाइस, ये देखो ओ भाई क्या ही शॉट था भाई, अमेजिंग बोल्ड, और अभी जिंदा है, एक सेकंड गाइस एक और मिसाइल छोड़ते हैं, ओ शिट, एक और ओ यस गाइस बोल्ड कर दिया फिर से, बहुत ही बढ़िया, एक ही नंबर गाइस, मज़ा आ चुका है। अगर आप मेरी वीडियो तक देख रहे हो तो चैट में लिख दो बोल्ड BOLD, तो यार गाइस यही गाइस बोल्ड कर देंगे, चलो बहुत सही, एंड एक सेकंड, चल निकल तुम्हें एक शिट नहीं लगा, मिस हो गया, अब तो निकलेगा भाई, मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई, मिसाइल से पावरफुल तो यही है भाई, मिसाइल से पावरफुल तो भाई इसके जो कैनन वाले जो एमओ है ना भाई, यही पावरफुल लग रहे हैं, मतलब ख़त्म ही कर देते भाई, मिसाइल से तो पावरफुल है। ठीक है कोई बात नहीं, बहुत आसानी से गाइस, ठीक है बढ़िया तरीके से ना अब उतर जाते हैं गाइस, थोड़ा सा गाइस उतर जाते हैं और ख़ुद से फाइट करते हैं, वरना बोलेगा भाई एयर ओवर डाल दिया, चीटिंग वगैरह कर रहा है ऑल राइट, ख़त्म भाई, कब ख़त्म होंगे ये, अपन लोग मारे ही जा रहे हैं इनको यार, ये कितना पैसे वाला बंदा है यार, यहाँ पर कैसे अपना एक जेट ट्रेन खरीदने को, अपनी जेब खाली हो जा रही है, और ये बंदा हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर मंगवाया जा रहा है यार, बहुत पैसा लग रहा है इसका सब जबर, इसके बनकर वगैरह बंदे चोरी वगैरह किए ना, तो भाई इसकी भाई ज़्यादा ही चोरी वगैरह हो जाएगी कसम से बता रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकेंड इसको मार दो, ख़त्म है फिर कैसे, मेरे को लग रहा है आपको ही नहीं आने वाला है, अरे यार ये होम लॉन्चर काम नहीं करता है कभी कभी, गजब गया भाई, इसको मारो यार, टैंक कहाँ से आ गया, इसको मारो, कोई बात नहीं मैं ही मारूंगा, चलो गजब, सारा फूट नहीं रहा भाई, किस चीज़ से बना है, अब मुझे सीमेंट से बना है क्या ये, नहीं, चल गजब
खत्म है गाइस, खत्म है, खत्म है। अरे अभी और भी है, सालों छपरी यार, ये कितने लोग आएंगे, मुझे जाना है भाई ड्राइवर को बचाने। यार गाइस यहाँ पे वीडियो लंबी हो जा रही है यार, कोई बात नहीं गाइस, मुझे ड्राइवर को बचाने जाना है और मेरे को एग्ज़ाम की पढ़ाई भी करनी है। सो गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे एग्ज़ाम लिख देना, और एग्ज़ाम आ गया यार कसम से यार गाइस एंड टाइम पे। कोई बात नहीं, ड्राइवर को बचाना है और एग्ज़ाम भी देने जाना है। सो यार बेस्ट ऑफ लक लिख देना, क्या पता भाई पेपर पर क्या लिखने वालों में, जी डी वाई की स्टोरी या तो कुछ नहीं पता। तो यार आपका लाइक सपोर्ट जरूर कर देना, और एग्ज़ाम में गाइस जो होगा देखा जाएगा माइकल के भरोसे। तो चलो इनको इनकी और खाद दी जाते हैं, चलो चलो भाई ख़त्म हो जाओ यार प्लीज़। गजब 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 गया गया गया, और एक सेकंड गया गाइस, अब कोई है क्या, आ जाओ। अब मेरे को लग नहीं था कोई बचा रहे यार, अभी भी कोई आ ही रहा है छपरी। यार यार ये कितना पैसा है भाई, ये लग रहा है आज मार के जाएगा क्या हमको। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, निकल निकल निकल, चल निकल सारा छपरी कहेगा भाई, बहुत टाइम हो गया इधर ही गाइस। कोई बात नहीं, एयर ओवर ये भाई, मिसाइल लॉन्च, मिसाइल और तीन मिसाइल कहाँ गया भाई छपरी। अब तो लग जा, अब तो लग जा, ओए ओए अब गया। चलो गाइस गेम हुआ है, और फाइनली गाइस लग रहा है सब खत्म है। यार रेड निंजा अगर कोई भी आता संभाल ले, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इधर संभालो। अब मेरे पास टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मुझे ट्रेवर को बचाने की प्लानिंग वगैरह करनी है, बहुत कुछ करना है। और उसने बोला है कि गाइस तुम्हारे मेंशन वगैरह पे भी अटैक होने वाला है, तो इसलिए मैंने निंजा सिक्योरिटी को बुला लिया था, वरना हमारे दूसरे सिक्योरिटी भी है। बट उसने बोला है कि तेरे किसी भी समय तेरे मेंशन पे कुछ कहीं पे भी अटैक हो सकता है, इसलिए गाइस मैंने मेंशन वाली सिक्योरिटी नहीं बुलाई, अपनी बनकर वाली निंजा सिक्योरिटी इधर बुलवाई है। तो ये रीज़न था अपना, बाकी और कुछ नहीं गाइस। तो चलो अभी देखते हैं क्या हाल चाल है, और ड्राइवर को हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं। और भाई $1 बिलियन डालने के लिए बोल रहा है यार वो, भाई $1 बिलियन कहाँ से लाएंगे, और अपने जो पैसा चोरी हुआ वो अलग ऊपर से। बट कोई ना गाइस, अब मेरे को गाइस कुछ प्लान वगैरह बनाना होगा कैसे बचाए। आप लोग भी मेरे को चैट पे आइडिया दे सकते हो कि मैं उसे कैसे बचाऊँ, और गाइस आप भी हमारे वीडियो में शामिल हो सकते हो, तो कोई बात नहीं। एंड फटाफट से ना मेरे को जाना होगा और कुछ करना होगा। तो यार मेरी वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, यार वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई, पता नहीं यार लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो पूरी देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों यार गाइस। बट देखते टाइम दुख होता है मुझे यार, लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, दिल को सुकून मिलता है एंड जल्दी वीडियो बनाने के मोटिवेशन आता है, वरना लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते ना भाई, दिल को बुरा लगता है। मतलब इतनी मेहनत, आपको पता है मैं बोलने वाला नहीं हूँ, बट आज कर देना यार ठीक है ना गाइस, और लाइक भी ज़रूर कर देना, और आपको लिए नए वीडियो आते रहेंगी और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आने वाले हैं। और अभी एग्ज़ाम के कारण थोड़ा सा गाइस लेट हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल दूंगा। एंड 14 तारीख तक बढ़िया वीडियो आ जाएगी, ठीक है, मतलब अभी तो आएंगे बट मेरा पेपर है 13-14 को, ठीक है ना। तो बाय बाय।